नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक लंबे टाइम के बाद जो क्वेश्चंस लेके आए हैं एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट, तो मित्रों ध्यान से देखिए। हर एक क्वेश्चन के साथ में हम एक्स्ट्रा बातें ध्यान में रखते हुए चलेंगे, जिससे आपके हर एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। हम डिटेल से बात करेंगे, तो मित्रों बने रहना और वीडियो को कंप्लीट देखना, ज़रूर आपको नॉलेज मिलेगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों, जजाऊ का युद्ध किन किन के बीच हुआ? जजाऊ का युद्ध किन किन के बीच हुआ? आप अपना ऑप्शन लगा के रखना, ठीक है? चार ऑप्शन दे रखे इसमें, अकबर, वसेज, सुजन हाडा, मुहजम वसेज, आजम, रंगीला वसेज, नादिर शाह, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आ गया होगा, तो यहाँ पे मित्रों हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मुहजम वजे वसेज आजम के बीच में। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो क्या बातें थी, इंपॉर्टेंट क्या बातें थी इस टॉपिक क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी देखते चलेंगे। मित्रों औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद इनके जो पांच पुत्र थे, ठीक है, उनके अंदर दो थे मुहजम व आजम। इनके बीच में जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 के अंदर, ठीक है, और इस युद्ध के अंदर मुहजम की विजय हुई। किसकी विजय? मुहजम की विजय हुई, और मित्रों इसी को बोलते हैं बहादुर शाह प्रथम। क्या बोलते हैं? बहादुर शाह प्रथम। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जो भी देखिए, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको भी फायदा मिल जाएगा। तो मित्रों देखिए एक्स्ट्रा बातें क्या क्या थी। हम बात कर रहे हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। मित्रों इनकी एक उपाधि थी, इस उपाधि का नाम है साहा ए बेखर, ठीक है, साह ए बेखर, और ये उपाधि दी थी खांसी खान ने। किसने दी थी? खांसी खान ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही मित्रों ये सबसे वृद्ध मुगल शासक थे, ध्यान रखना। जितने भी मुगल शासक हुए इनमें से सबसे वृद्ध कौन थे? ये थे मुहज्जम, यानी कि बहादुर शाह प्रथम। और मित्रों आपको बता दूँ, इन्होंने बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ में संधि की थी, और इनको गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने मनसब भी प्रदान किए थे, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूँ। एक साथ में और बात आ सकती है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1711 के अंदर जोसुआ कैटलार के नेतृत्व के अंदर डच प्रतिनिधि भारत आया था, ठीक है। डच प्रतिनिधि किसके नेतृत्व के अंदर? जेसुआ कैटेला, ठीक है। तो इतनी बात आई होप जरूर समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न में से किस बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, यानी किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है जहांदार शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह और बहादुर शाह सेकंड। तो मित्रों जिसने तैयारी की अच्छे से उनको ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है जहांदार शाह, ठीक है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि मित्रों इनके काल के अंदर जो सत्ता थी, जो इनका वजीर था जिसका नाम था जुल्फिकार खां। क्या नाम था? जुल्फिकार खां, इसके अंडर में थी, ठीक है। साथ ही मित्रों बता दूं आपको, मतलब जहांदार शाह के काल के अंदर एक महिला का प्रभाव था, उस महिला का नाम था लाल कुंवरी। क्या नाम था? लाल कुंवरी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जहांदार शाह के काल में किस महिला का प्रभाव था, तो प्रभाव किसका था? लाल कुंवरी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न में से किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर सेकेंड, सैयद बंधु और फर्रुख शेयर। ये तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पे जो सही आंसर है मित्रों ये है सैयद बंधु। दो भाई थे मित्रों सैयद बंधु, कौन कौन थे आप नाम देख लीजिए, अब्दुल्ला खां,
और दूसरा था हुसैन अली खां। इन दोनों को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। इनके काल के अंदर जो शासक बने उनके बारे में आप देख लीजिए, तभी तो इनका इन्होंने क्या कहते हैं इनको, किंग मेकर कहा जाता है। तो उन शासकों के नाम आपको बता दूँ, एक था मित्रों फर्रुखसियर, जिसे बोलते हैं घनित कायर, ये भी आपको ध्यान रखना, फर्रुखसियर। ठीक है, दूसरे बात करूँ मित्रों रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला। ठीक है, उद दौला। एक है मित्रों रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दर्जात। ठीक है, और लास्ट है मोहम्मद सारंगीला। यानी कुल मिला के किंग मेकरों ने चार मुगल बादशाह बनाए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितनी बात समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, 1739, 1764, 1761, 1757। तो ये आपको बताना है इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बता दूं, 1739 आपका सही आंसर होगा। और इस टाइम जो शासक था कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह इसका नाम था और इसका जो रियल नेम था वो था रोशन अख्तर। ठीक है, रंगीला इसको उपाधि दी गई थी। और इसी के काल के अंदर 1739 के अंदर नादिर शाह का आक्रमण हुआ और जो भारत का जो बहुमूल्य हीरा था कोहिनूर, वो नादिर शाह अपने साथ में ले गया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और मोहम्मद शाह रंगीला ने ही श्वेत बंधुओं का अंत किया था। ठीक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट बात ये कि नादिर शाह, ये नादिर शाह क्या, मोहम्मद शाह रंगीला के काल के अंदर तीन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन कौन से थे, बंगाल, ठीक है, दूसरा था अवध और तीसरा था मित्रों हैदराबाद। ये तीन राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस मुगल बादशाह के पेंशन की बात करने के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, बहादुर शाह, जफर, आलमगीर सेकंड, अकबर सेकंड और शाह आलम सेकंड। तो इसमें आपको बताना होगा कि कौन किस कौन सा बादशाह था, ठीक है, जिसके लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे पेंशन की बात करने के लिए। तो मित्रों आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अकबर सेकंड। अकबर सेकंड मुगल बादशाह, ठीक है, जिसके पेंशन की बात करने के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी बिस्टल नामक स्थान पे। ठीक है, और मित्रों यहीं पे इनका, ठीक है, देह संस्कार हुआ था और ये हरिकली नाटक इनकी समाधि पे लिखा हुआ है। कौन सा नाटक, हरिकली, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था, ये आपको सभी को पता होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मित्रों थोड़े से एक पीछे जाते, पीछे वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे थे उसी से मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बता देता, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1764 के अंदर, ये हुआ था मित्रों बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा, बक्सर का युद्ध। 1761 के अंदर बात करें तो 61 के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था प्लासी का युद्ध, ये भी मैंने आपको साथ में बता दिया, आई होप जरूर अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, देहरादून, मेरठ, कोलकाता और रंगून। ठीक है, तो मित्रों आप सभी का आंसर आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पे जो सही आंसर है रंगून। थोड़ी सी बातें इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जाफर। ये मित्रों जाफर के नाम से शायरी लिखते थे, किस नाम से, जाफर के नाम से। ठीक है, तभी इनका नाम पड़ा बहादुर शाह जाफर। और आपको बता दो मित्रों 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व के अंदर हुआ था और इनको
हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया। किस मकबरे से? हुमायूं के मकबरे से। और फिर इनको रंगून भेज दिया गया और 1862 के अंदर भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और यहीं पे इनकी कब्र बनी हुई है। कहाँ पे? रंगून के अंदर। आई होप जरूर अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वास्को डी गामा के भारत आने के समय कालीकट, जो कालीकट बंदरगाह है, उसका शासक कौन था? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। अब्दुल मनीद, काल भैरव, शाह आलम। तो मित्रों आपको बता दूं, जो पुर्तगीज था वास्को डी गामा, ये भारत आया था, ठीक है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो मित्रों यहाँ पे जो सही आंसर होगा, जमोरिन, जो कालीकट का शासक था, ठीक है? आप सभी जानते हो, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ आपको। 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है? ये केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए आया था, ठीक है? पहले ये भी बात बता दूँ आपको मित्रों, ये धर्मयुद्ध जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, ठीक है, उसकी राजधानी थी कुस्तनतुनिया, ठीक है? वहाँ पे उसको प्राप्त करने के लिए सरासनिक यानी मुस्लिम और बेजेंटाइन ईसाई, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रूशेड यानी धर्म युद्ध हुआ था, ठीक है? और उसके अंदर सरासनिकों की विजय हो गई थी, ठीक है? और उसी के बाद जो पश्चिम के अंदर, ठीक है, यानी पूर्वी के पूर्वी पश्चिम के अंदर पूरी साम्राज्य पूर्वी के अंदर जो शासक शासन करना था, तो उसके लिए एक नए मार्ग की खोज की जरूरत थी, ठीक है? तो मित्रों इसी के लिए खोज हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में सर्वप्रथम गोदिक कला, ठीक है, किसके द्वारा लाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम गोदिक कला किसके द्वारा लाई गई थी? तो मित्रों आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर होगा मित्रों, पुर्तगाली। पुर्तगाली के बारे में सब जानते हो मित्रों, इन्होंने गोवा के अंदर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगवाई थी, ये भी आपको पता होगा। गोवा के अंदर क्या लगाई थी? प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है? और मित्रों बताओ, तंबाकू खेती, तंबाकू की खेती भारत के अंदर किस इन्होंने प्रारंभ की थी? ये भी की थी पुर्तगालियों के अंदर, ठीक है मित्रों? ये बात आपको ध्यान रखना है। और तो वास्को डिगामा के बाद जो पुर्तगीज आया था उसका नाम था पेड्रो अल्वेज क्रेबल, ठीक है? ये भी आ सकता है, पेड्रो अल्वेज क्रेबल, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर कौन था? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको ध्यान से इसको समझना है और फिर आंसर देना है। भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर कौन था? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, और चार्ल्स द्वितीय और फ्रांसिस डे। और यहाँ पे आप सही आंसर होगा मित्रों, वो होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ध्यान से क्वेश्चन को पूछना, समझना मित्रों, कि पहला पुर्तगीज गवर्नर पूछा है, तो यहाँ सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। लेकिन मित्रों यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंदर, ठीक है, तो पहले यार जो पुर्तगीज वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन है? वास्तविक संस्थापक की बात आए तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है? थोड़ी सी बातें अब मैं पुर्तगीजों के बारे में बता दूँ आपको। सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे, ये बात आपको ध्यान रखना। इन्होंने यहाँ पे ब्लू वाटर नीति का पालन किया था, कौन सी? ब्लू वाटर नीति का। साथ ही आपको बता दूँ, ठीक है, इन्होंने एक व्यवस्था स्टार्ट की थी जिसका नाम था कार्टेज अल्मेडा, कार्टेज अल्मेडा, यानी इस व्यवस्था के बाद मतलब इस व्यवस्था के तहत क्या था कि अगर आपको हिंद महासागर के अंदर व्यापार करना है तो आपको पुर्तगियों से पहले अनुमति लेनी अनिवार्य होगी, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय वस्त्र निर्यात का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय वस्त्र निर्यात का श्रेय किसे दिया जाता है? सारा ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रांसिस। तो आपका सही आंसर यहाँ पे कौन सा है? डच। डचों को भारतीय वस्त्र निर्यात का श्रेय दिया जाता है। आपको बता दूँ मित्रों, ये हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे, और आपको बता दूँ इनकी जो कंपनी की थी उसका नाम था वेरिंग थे आस्ते इंडे से, वेरिंग थे, ठीक है, आस्ते
हिंदी से। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और मित्रों, इन्होंने 1605 के अंदर, 1605 के अंदर इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री खोली थी। उस फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? मसूली पट्टनम के अंदर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या मूव करता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? तो मित्रों आपको बता दूं, जो ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस थे, जेम्स प्रथम का जो पत्र लेकर, ठीक है, भारत आए थे 1608 के अंदर। ठीक है, कब आए थे? 1608 के अंदर भारत आए थे, ठीक है। और इनका जहाज पहुंचा था सूरत के अंदर, उसी जहाज का नाम पूछा गया है, तो ऐसा ही आंसर आपको बताना है। हेक्टर, तलवार, एस एस राज बताना, और कामा घाटा मारू, ठीक है। तो ये आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। हेक्टर, हेक्टर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये चार तीन ऑप्शन और दे रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में डिटेल से। तलवार, सैनिक विद्रोह हुआ था उस टाइम में, एस एस राजपूताना, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग गए थे, कामा काटो मारो, ये भी एक जहाज था जिसके ये कनाडा जा रहा था, ये इसके बारे में डिटेल से बाद में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है मित्रों हेक्टर, हेक्टर नामक जहाज से जो कैप्टन हॉकिंस है, ठीक है, 1608 के अंदर सूरत में पहुंचे थे। और किसका पत्र लेकर आए थे? जेम्स प्रथम का अकबर के दरबार में पत्र लेकर आए थे, ठीक है। लेकिन मित्रों अकबर की मृत्यु हो गई थी, और इस कारण से किसने बात की थी? जहांगीर ने बात की थी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और हॉकिंस ने मित्रों जहांगीर से फारसी भाषा में बात की थी, इसलिए जहांगीर प्रसन्न हो गया और इनको 400 मंसब प्रदान किए थे, ठीक है। लेकिन इस टाइम में पुर्तगाली थे और इस वजह से व्यापार करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। साथ ही आपको बता दूं, यूरोपीय कंपनी थी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अपने सिक्के भी ढाले थे, और सिक्कों का नाम था पैगोडा। क्या नाम था? पैगोडा। ये पैगोडा नाम के स्वर्ण सिक्के थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पहली अंग्रेज प्रेसिडेंसी कहाँ पर बनी? पहली अंग्रेज प्रेसिडेंसी कहाँ पर बनी? तीन प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, और उसमें आपको बताना है पहले कहाँ बनी। तो पहले आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, मद्रास, मुंबई, गुजरात व कोलकाता। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा मद्रास, ठीक है मित्रों, मद्रास के अंदर, ठीक है। 1640 के अंदर सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की गई थी, और यहाँ पे क्या कौन सी बनी थी? अंग्रेज प्रेसिडेंसी। दूसरी जो बनी थी वो बनी थी मित्रों सेकेंड कहाँ बनी थी? कोलकाता के अंदर, ठीक है, सेकेंड कोलकाता के अंदर बनी थी। और तीसरी बनी थी मुंबई के अंदर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है। कोलकाता ने क्या बना था? विलियम फोर्ट बना था, ध्यान रखना विलियम फोर्ट, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अंग्रेजों ने पहली अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको पता भी होगा कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की कहाँ पर स्थापित की गई थी। चार ऑप्शन दे रखे, कनौर, मसूली, पट्टनम, सूरत और कोचीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा आप सभी को पता है, मसूली पट्टनम, 1611 के अंदर, ठीक है, ये स्थापित की गई थी, ध्यान रखना। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूर्वी तट पे स्थापित की गई थी। आपको पूछे कि पश्चिम तट पे स्थापित पहली फैक्ट्री कौन सी थी? पश्चिमी तट पे आपको बताना है सूरत के अंदर, ठीक है, सूरत के अंदर 1613 के अंदर ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ये भी आपको बातें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? ठीक है, ध्यान से पढ़ना, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, ठीक है। तो मित्रों आपको बताना, चार ऑप्शन दे रखे, क्लाइव, वॉन एंड हेस्टिंग, विलियम बैंटिंग और कैनिंग। इसमें से आपका सही आंसर बताना प्रथम गवर्नर जनरल। तो मित्रों आपको बता दूं, वॉरेन हेस्टिंग भारत के, मतलब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। और केवल गवर्नर की बात करें तो गवर्नर बने थे कौन बने थे? क्लाइव, विलियम बैंटिंग। विलियम बैंटिंग की बात करें तो ये पूरे भारतवर्ष के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है, पूरे भारत के। और कैनिंग की बात करूँ तो ये भारत के अंतिम गवर्नर थे, ठीक है, भारत के प्रथम, मतलब अंतिम गवर्नर, और यही बने थे मित्रों भारत के प्रथम वाइस राय, ठीक, क्या बने थे? भारत के प्रथम वाइस राय बने थे, कौन बने थे? कैनिंग। साथ ही आपको बता दूँ मित्रों कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? माउंट बैटन। कौन थे? माउंट बैटन, ठीक है।
और इंडिया की बात करूँ तो इंडियन कौन थे, सी यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो आज का फाइनल क्वेश्चन होगा, इसमें बताइए मित्रों, ऑप्शन दे रखा है, फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या था। तो फ्रांसीसी कंपनी का नाम बताना, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं मित्रों, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कंपनी द इंड ओरिएंटल, ईस्ट इंडिया कंपनी और एस्तादो द इंडिया। तो मित्रों ये तो आप पहले से नेगलेक्ट कर सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेजों की थी आपको पता है, ठीक है। फिर ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने तीन ऑप्शन, इसमें से आपको बता दो मित्रों जो स्वीडिश है ईस्ट इंडिया कंपनी ये थी डचों की, किसकी थी, डच, ठीक है ना, स्वीडिश डच नहीं, ये डेन की थी, ठीक है मित्रों, डेन। और यहाँ पे आपको जो सही आंसर है मित्रों वो है कंपनी द इंड ओरिएंटल, कौन सी, कंपनी द इंड ओरिएंटल, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ऐसा तो इंडिया थी वो किसकी थी, पुर्तगालियों की। तो मित्रों और भी अपन क्वेश्चन लेके आएंगे, बने रहना, आपको वीडियो कंप्लीट देखना, जरूर आपको नॉलेज मिलेगा, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी जरूर करना, इसी प्रकार हम कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेंगे एनटीपीसी के एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है, थैंक यू।